हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज की जो वीडियो है इसमें मैं मेकअप लुक क्रिएट करने जा रही हूँ मीरब करेक्टर का, जो कि तेरेविन ड्रामा से है। और इसमें सिर्फ आपने मेकअप लुक के ऊपर फोकस करना है, ठीक है। इसमें कोई इस तरह की चीज़ नहीं है कि आई लुक लाइक मीरब और एनीथिंग, तो इस तरह के कमेंट्स भी नहीं करने मुझे, ठीक है। मैंने सिर्फ आप लोगों को मेकअप लुक क्रिएट करना सिखानी है, और उसके लिए जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं मैंने यहाँ पे इकट्ठी कर ली हैं, और ये सारे प्रोडक्ट्स का भी रिव्यू हो जाएगा एक तरह से कि किस तरह के प्रोडक्ट्स हैं, और मेकअप लुक भी आप सीख जाएंगे कि किस तरह से उसको क्रिएट किया जाता है। तो वीडियो को स्टार्ट। अच्छा, तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले मैं ये लूँगी यहाँ पे, ये हिमानी का रोज़ वाटर है, और ये रोज़ वाटर स्प्रे करूँगी मैं फेस के ऊपर। ये स्प्रे कर लिया मैंने, और एक दो मिनट तक वेट करेंगे, और उसके बाद मैं अप्लाई करूँगी इन में से, ये जो सारी प्रोडक्ट्स हैं इनमें से मैं चूज़ करूँगी, दिस इज़ अ सीरम। ये सीरम है लॉरियल का रिवाइटल लिप्ट हाइलोरोनिक एसिड सीरम, इसको मैं अपनी फेस के ऊपर लगाऊंगी। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें है कि आपने अपने फेस को प्रॉपरली मॉइस्चराइज करना है। तो मॉइस्चराइज करने के लिए मेरे पास यहाँ पे पोंड्स की मॉइस्चराइजिंग क्रीम है। यहाँ पे रियल टेक्निक्स का ये पूरे का पूरा ब्रश सेट है, जिसके अंदर ये ब्यूटी ब्लेंडर है, ये यूज़ करूँगी मैं। ऑब्वियसली इसको मैं पहले वेट करूँगी, ठीक है, पानी में। एंड देन जो फाउंडेशन मैं इस्तेमाल करने जा रही हूँ वो फाउंडेशन है मिलानी की, ये है कंसील प्लस परफेक्ट 2-in-1 फाउंडेशन प्लस कंसीलर, और ये मैंने लाइट नेचुरल शेड में लिया है, और दी बेस्ट फाउंडेशन है ये, ठीक है। का फेस पाउडर अप्लाई करने जा रही हूँ मैं, और ये 2-way केक है, ठीक है। आप इसको वेट भी यूज़ कर सकते हैं, ड्राई भी यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड ऑन योर नीड। तो यहाँ पे मैं रियल टेक्निक्स का ब्रश लूँगी, जो कि ये इनका ये वाला बड़े वाला ब्रश है। ये बेसिकली ये अच्छे तरीके से पाउडर को स्प्रेड आउट कर देता है आपके फेस के ऊपर। तो मैं यहाँ पर इस तरह से पिक करूँगी इसको, और अपने फाउंडेशन को अच्छे तरीके से सेट कर दूंगी। ब्राउ स्टाइलिंग सोप है, तो इसको मैं निकाल लूंगी। इसके अंदर एक होता है ब्राउ ब्रश, ये है ब्राउ ब्रश। इसको आपने क्या करना होता है, आपने थोड़ा सा इसको वेट करना है, लाइक दिस, ठीक है, हमारे पास है। तो इसका हम लाइक दिस एक दफा ये स्प्रे कर लेना। देन ये ब्राउ स्टाइलिंग सोप है, तो इसको आपने यूं ओपन करना है, और यहाँ पे एक दफ़ा, सिर्फ एक दफ़ा, ज़्यादा दफ़ा नहीं करना, आपने इसको एक दफ़ा यूं करना है और अपनी ब्राउ को सेट कर लेना। लाइक मैं आपको करके दिखाती हूँ। अगर आप इसको ज़्यादा अप्लाई करेंगे तो वो आपकी आईब्रोज बहुत ज़्यादा स्टिकी हो जाएंगी। अब इस मेकअप लुक के अंदर, क्योंकि मीरब की आईब्रोज बहुत ज़्यादा थिक लग रही हैं, उसने बहुत डार्क ब्राउन कलर का पाउडर अप्लाई किया हुआ है अपनी आईब्रोज के अंदर, तो है क्रिस टाइम की फिट। यहाँ पे मैं एसेंस के ले रही हूँ आई शेडो पैलेट, ये बहुत टाइम से मैंने ये परचेज की हुई है, और बहुत अमेजिंग इसके अंदर शेड्स हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ।
ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा कि मैं फर्स्ट टू शेड्स के अलावा कोई भी अप्लाई नहीं करती, तो यहाँ पे भी मैं मीरब ने इस मेकअप लुक के अंदर ये जो रोज़ गोल्ड कलर है ये वाला आई शेडो लगाया हुआ है, और इसके साथ साथ मैं एक और हाईलाइटर लगाऊंगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट है ये रियल टेक्निक्स का ये जो छोटू वाला ब्रश है ये आई शेडो के लिए अप्लाई करेंगे हम लोग, तो ये मैं ले रही हूँ और इसको मैं अप्लाई करूँगी। हाइलाइटर है और ये मैंने परचेज किया था कि इंस्टाग्राम पेज से, तो मैं पहले क्या करूंगी इसके लिए अपने ब्रश को थोड़ा सा वेट करूंगी। और इसकी लिड पर से मैं इसके पार्टिकल्स को इस तरह से पिक करूंगी, आई होप ये अच्छे तरीके से लग जाए। आप इसको देखिएगा, सीवीवी की ये स्टिक है कि एक साइड पे ये गोल्डन है और इसके दूसरी साइड पे ये ब्राउन शेड है, तो हम लोग गोल्डन वाला एक मिनट के लिए बंद करेंगे और ब्राउन शेड जो है इसको लेकर अब हम इसको करेंगे प्रॉपर ब्लेंड। ये रियल टेक्निक से एक और ब्रश है, ये किट, और ये किट जो है ये किस ब्यूटी की तरफ से थी, और मैं इसमें ये वाला शेड अप्लाई करूंगी। This is the eyeliner. This eyeliner is by CBB Ultra Black. यहाँ पे जो मस्कारा है मैं वो लॉरियल का यूज करी हूँ, एयर वॉल्यूम मेगा मस्कारा। दिस इज द लिप पेंसिल एंड दिस इज बाय ग्लैमरस फेस, ये मैट लिप ग्लॉस है मेरे पास, तो लेट्स स्टार्ट। पैलेट है ये मेकअप रेवोल्यूशन की तरफ से था, और इसके अंदर अगर आपने आईज पे मेकअप करना है तो आप ये ऊपर वाले दो लगा सकते हैं, डिपेंड ऑन योर नीड के किस तरह आप लगाते हो। मैं क्या करती हूँ ये जो दो ब्राउन के दरम्यान में शेड है ये लगाती हूँ, और ये दो जो ऊपर वाले हैं इनको मैं हाईलाइट करने के लिए इस्तेमाल करती हूँ, और ये ब्राउन वाले जो शेड हैं इनको कॉन्टोर करने के लिए इस्तेमाल करती हूँ, तो मैं इनको यूज करूंगी। अब इसके लिए मैं ब्रश ले रही हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पिंक और ये वाला जो है इसको हम हाईलाइट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये देखें कितना अच्छा ग्लो आ जाता है, दिस वन। इसको अगेन यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। सो अब ये जो ब्राउन वाला शेड है इसको हम टैप करेंगे और